बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनामिर। कैसे हैं आप सब? आज हम बहुत ही इजी रेसिपी लाए हैं, पोटैटो कटलेट्स। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं 7। इसके अलावा हमें हरी मिर्ची चाहिए 2 से 3। धनिया लिया हमने थोड़ा सा। इसके अलावा हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स 4 से 5 टेबल स्पून। 1 टी स्पून हमने लिया है कुटी हुई मिर्चें। 1 टी स्पून लिया है नमक। 1 टी स्पून लिया है भुना कुटा साबुत धनिया। इसके अलावा 1/2 टी स्पून हमें चाहिए पिसी हुई काली मिर्चें। 1/2 टी स्पून चाहिए हमें भुना कुटा जीरा। इसके अलावा 1.5 टी स्पून चाहिए अमचूर पाउडर कह लें या फिर खटाई पाउडर। ये सब चीज़ें आलूओं में जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आलूओं को मैश करेंगे। आप चाहें तो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। आलू यहाँ पर मैश हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, भुना कुटा ज़ीरा, अमचूर पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, नमक, पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, धनिया डालेंगे, ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है जो आप बआसानी अपने घर पे बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने मिक्स कर लिया है। अच्छा, जब आप मिक्स कर लें तो आप इसका नमक और मिर्च चेक कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक और मिर्चें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम कटलेट्स रेडी करते हैं। हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे। कटलेट्स आप अपनी मर्ज़ी से इसको कोई सा भी शेप दे सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस शेप के बनाना चाहते हैं। ये देखें, बस ये रेडी हो गया। इसी तरह हम सारे कटलेट्स बनाते जाएंगे। देखें, ये रेडी हो गया और इसको रखते जाएंगे। तमाम कटलेट्स हमने बना लिए हैं। अब कटलेट्स को जो कोट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर 2 हमने अंडे लिए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा दूध चाहिए हमें और यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिए हसबे ज़रूरत और थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब सबसे पहले हम अंडे में दूध डालकर इसको फेंट लेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम कटलेट एक लेंगे, कॉर्नफ्लोर में हम इसको कोट करेंगे। इसके बाद हम इसे एग के बैटर में डिप करेंगे। ये हो गया। अब इसको ब्रेड क्रम्स जो हमने लेकर रखे हुए उसमें डालेंगे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरह। इसी तरह हम 1 बाय 1 सब कबाब जो हैं अपने या कटलेट्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए, तमाम कटलेट्स रेडी हो गए। ऑयल हमने गरम पर रखा हुआ है। ऑयल गरम हो गया। अब हम इसमें एक एक कटलेट्स डालते रहेंगे। लो फ्लेम पर इसको बिल्कुल फ्राई करना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इनका। ये देखें, अभी ना चेक करते हैं कि एक साइड से कलर आ गया है। यानी देखें, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसी तरह एक एक करके सबकी साइडें चेंज करते जाएंगे। तमाम कटलेट्स की हमने साइड चेंज कर दी हैं। अब दूसरे साइड से भी हमें पकाने हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल इस वक्त हमने लो रखा हुआ है। 3 से 4 मिनट हो गए। अब इनकी दूसरे साइड भी हम चेंज करके देखते हैं। देखें, अच्छे से ये सब हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो राइट साइड पर आपके बेल आइकन बना हुआ है उस पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये देखें, बस अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें, हमने पोटैटो कटलेट्स को निकाल लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने। एक मैं आपको चेक करवा के सुनाती हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।